माननीय विधान परिषद के सभापति जी ने कहा भी है कि नियम के अनुकूल कोई प्रस्ताव लाइए, जिस विषय पर बहस करनी हो बहस कीजिए, लेकिन इस तरह से सदन को बाधित करना यह तो सरासर गलत है। क्या अनर्गल बात लोग बोलते हैं, अब अनर्गल बातों का क्या कहना है। अभी हम लोगों के सामने तो 2024 है ना, पहले लोकसभा का चुनाव पहले होगा, इसलिए एजेंडा 2024 है, फिलहाल उसी पर हम सब लोगों का ध्यान केंद्रित। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, इस बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था और उतना ही हंगामेदार भी। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा में हंगामा चल रहा था, तो परिषद को भी बीजेपी के नेताओं ने चलने नहीं दिया। कारण केवल शराबबंदी था, जिसको लेकर जदयू के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि जो सदन होता है वो विचार और परामर्श की जगह होती है, वहाँ पर बातें होती हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रही है वो गलत है। जब उनसे पूछा गया कि सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने साफ कहा है कि सरकार जो है वो बालू माफियाओं को ठगती है, यानी बालू माफियाओं का पैसा उनके पास आता है, और जब शराबबंदी की बात करते हैं तो जदयू के पास पैसा आता है, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये सब अनर्गल बातें हैं, अनर्गल बातों का हम जवाब नहीं देते। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, सदन बातचीत की जगह है, विमर्श की जगह है, बहस की जगह है, और उसमें हंगामा करके और इस तरह से सदन के कार्यक्रम को बाधित करना बिल्कुल गैर संवैधानिक काम है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहें तो जिस विषय पर उनको इच्छा हो नियमानुकूल तरीके से उस पर बहस की गुंजाइश है, बहस में भाग लें। माननीय विधान परिषद के सभापति जी ने कहा भी है कि नियम के अनुकूल कोई प्रस्ताव लाइए, जिस विषय पर बहस करनी हो बहस कीजिए, लेकिन इस तरह से सदन को बाधित करना यह तो सरासर गलत है। नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं जब भी शराब की बात होती है तो नीतीश कुमार का फायदा होता है, बालू की बात होती है तो राजद का फायदा होता है। देखिए, अब अनर्गल बात लोग बोलते हैं, अब अनर्गल बातों का क्या कहना है, लेकिन सदन की कार्यवाही नियम के हिसाब से चलती है और उसमें पक्ष विपक्ष सबको सहयोग करना चाहिए। सवाल है कि 25 तक जो 25 में जो तेजस्वी जी के नेतृत्व वाली जो बात है, क्या उसको लेकर काफी चर्चा है, काफी ये है कि तेजस्वी जी को? नहीं, देखिए उस पर तो बात मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ भी कही है आप सब लोगों ने सुना ही है, लेकिन अभी हम लोगों के सामने तो 2024 है ना, पहले लोकसभा का चुनाव पहले होगा, इसलिए एजेंडा 2024 है, फिलहाल उसी पर हम सब लोगों का ध्यान केंद्रित है। को लेकर कई लोग सवाल भी खड़े करने, माझी जी ने कहा कि भाई इनका मिली करता है, हमने कहा कि उस पर अभी राय देने की कोई ज़रूरत ही नहीं, उस पर तो स्वयं तेजस्वी यादव जी ने भी प्रतिक्रिया देखते हुए यह बात कही है कि अभी 2024 हमारे सामने है, तो 2024 को टारगेट मानते हुए जो कुछ भी बात होगी 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बात होगी ना। छपरा में जो मौत हुई है शराब जहरीली शराब से, सरकार की नाकामी मानते हैं? नहीं, ये सरकार तो लगातार कह रही है कि शराब मत पीजिए, शराब पीने से जान अभी नहीं तो देर से ही सही जाती है, शराब अच्छी चीज़ नहीं है, उसके बावजूद कुछ लोग पी लेते हैं शराब, तो उसमें सरकार क्या करेगी। सब लोगों को चाहिए सरकार का न सिर्फ सहयोग करें बल्कि अपनी जान की सुरक्षा के लिए भी शराब पीना बंद करें। नीतीश जी की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? नहीं ना, मांग करने वालों का क्या कहना है। तो आपने साफ सुना किस तरीके से वो नेता प्रतिपक्ष के बयानों को कह रहे हैं कि अनर्गल बयान देते हैं सम्राट चौधरी, इस पर बयान देने लायक नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि शराबबंदी कानून को और अच्छे से चलाया जाएगा, सुचारू रूप से किया जाएगा, जो भी कुछ घटनाएं हो रही हैं उस पर सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।